गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो दिस इज योर मैथ्स क्लास. ओके एवरीवन, एंड टुडेज टॉपिक इज इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. ओके, सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न इवन नंबर्स क्या होते हैं. Numbers with zero, two, four, six, eight in the ones place are even numbers. Okay, even numbers क्या होते हैं, जिसके one place में या तो digit zero हो, two हो, four हो, six हो, eight हो, तो हमारे कौन से number होते हैं? Even numbers. Okay, और as you can see जो हमारे इवन नंबर्स हैं वो क्या है, सब टू से डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है, सब टू के टेबल में आते हैं. टू वन जो टू, टू टू जो फोर, टू थ्री जो सिक्स, टू फोर जो एट. ठीक है, तो वो नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए और वंस प्लेस में क्या हो, टू फोर सिक्स एट, तो क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैम ने यहाँ पे लिखा नंबर 12. ओके, तो मैम ने भी बताया कि वंस प्लेस में कौन सा नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8. वंस प्लेस में कौन सा नंबर होना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो वंस प्लेस को ऐसे मार्क कर लेते हैं. दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस. ठीक है, वंस प्लेस पे देखेंगे कौन सा नंबर है, 2. एंड 2 क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इवन नंबर. इवन नंबर. देन लेट्स सी अनदर एग्जांपल, 4, 8. ओके, नाउ लेट्स सी वंस डिजिट. वंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, नंबर 8. सर्कल कर देंगे. ओके, अब नंबर 8 कैसा है, हमारा इवन नंबर है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में आता है ना ये, 2 4 8. ओके, सो दिस इज इवन नंबर. अंडरस्टूड एवरीवन? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या है, हमारे इवन नंबर है. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, लाइक दिस. ठीक है, तो अगर 2 डिजिट नंबर होगा, 3 डिजिट नंबर होगा, 4 डिजिट नंबर होगा, तो हम उसके वंस डिजिट को देखेंगे. वंस प्लेस की क्या देखेंगे, हम डिजिट देखेंगे. अगर वो इवन नंबर होगे तो हमारा नंबर क्या होगा, इवन. अंडरस्टूड? नाउ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स स्टार्ट होते हैं नंबर्स विद. ठीक है, अब ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 3, 5, 7 and 9. ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर्स. ओके, तो नंबर्स विद 1, 3, 5, 7 and 9 in the ones place are odd number. Okay, तो वो नंबर कौन से नंबर, 1, 3, 5, 7 and 9.
अगर वंस प्लेस में कौन से नंबर होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, तो वो हमारे कौन से नंबर होंगे, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, एंड इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ही रिमाइंड करना है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है कि जो हमारे इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, एंड जो ऑड होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी डिजिट इवन है या ऑड है उसके लिए क्या करते हैं, हम वंस प्लेस की डिजिट देखते हैं। अगर वंस प्लेस की डिजिट इवन होगी तो इवन नंबर, एंड ऑड होगी तो ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं मैम 23। ओके, नाउ दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस। वंस प्लेस को मार्क करा हमने, सर्कल किया वंस प्लेस में, एंड नाउ वी विल सी इज दिस इवन नंबर और ऑड नंबर। 3 इवन नंबर है कि ऑड नंबर? वेरी गुड, ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये डिजिट क्या हो गया, ये क्या नंबर क्या हो गया हमारे, ऑड नंबर, ऑड। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, 47। अब 47 इवन है या ऑड ये हमें कैसे पता चलेगा, पहले हम वंस प्लेस के डिजिट को क्या करेंगे, इसे सर्कल कर देंगे लाइक दिस। ओके, नाउ वंस प्लेस के डिजिट क्या है, नंबर 7। ओके, नाउ यू टेल मी नंबर 7 इवन नंबर है या ऑड नंबर? वेरी गुड, दिस इज ऑड नंबर बिकॉज ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम, ऑड। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इवन नंबर हमारे होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, एंड ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर इवन है या ऑड इसे देखने के लिए क्या करते हैं, हम वंस प्लेस के डिजिट देखते हैं। अगर वंस प्लेस के डिजिट इवन नंबर होगा तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, इवन, एंड अगर ऑड होगा तो पूरा नंबर क्या होगा हमारा, ऑड। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चंस। ओके एवरीवन, नाउ ओपन योर बुक, ओपन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 26। ओके, ओपन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 26, and take out your maths notebook also। ठीक है, तो लिखिए activity 6, write in your notebook activity 6 and question number 1, write even or odd। okay, and put the date, what's the date today, 13 May 2021। okay, use a sketch pen for heading and questions। Done everyone, activity 6, question number 1, write even or odd। Okay everyone, now let's write first question। First question is 64, write down 64। ठीक है, तो इसके आगे हमें लिखना है ये इवन है या ऑड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, वंस टेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर को देखने के लिए वंस प्लेस की जो डिजिट होती है क्या देखेंगे हम, वंस प्लेस की डिजिट। ठीक है, वंस प्लेस की डिजिट में हम सर्कल कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स ऑब्जर्व कि वंस की डिजिट कौन सी है, नंबर 4। तो 4 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, 4 इज इवन नंबर बिकॉज क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 64 नंबर क्या हुआ, इवन। राइट हियर, इवन।
डन एवरीवन। ओके नाउ इरेज इट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 457 राइट हियर। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप वंस प्लेस की डिजिट को क्या करेंगे हम सर्कल। ओके नाउ लेट्स ऑब्जर्व नंबर 7 इज इवन और ऑड। नंबर 7 इवन नंबर है और ऑड नंबर है। वेरी गुड। नंबर 7 क्या है ऑड नंबर बिकॉज 7 क्या है 2 से डिवाइड नहीं होता है। ओके सो इसके आगे हम क्या लिखेंगे ऑड। लाइक दिस। ओके नाउ इरेज इट। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन 3009 राइट हियर। 3009 ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा। वेरी गुड। वंस प्लेस के डिजिट को हम सर्कल करते हैं। नाउ लेट्स ऑब्जर्व 9 इज इवन नंबर और ऑड नंबर। 9 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। 9 इज ऑड नंबर। ओके 9 इज ऑड नंबर बिकॉज ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। सो ये हमारा नंबर कैसा हो गया ऑड नंबर। राइट हियर ऑड। डन। ओके नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन डी 153 राइट हियर। 153 ओके नाउ सर्कल द वंस प्लेस डिजिट एंड नाउ लेट्स सी 3 इज इवन नंबर और ऑड नंबर। वेरी गुड। 3 इज ऑड नंबर तो ये हमारे नंबर क्या हुआ ऑड। राइट हियर ऑड। अंडरस्टूड एवरीवन के क्वेश्चन आपको कैसे करना है ठीक है। ऐसे ही सबका नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए और नंबर्स को आप बॉटम लाइन में टच करते हुए लिखेंगे। ए में नहीं लिखेंगे बॉटम लाइन में टच करते हुए लिखेंगे। हेडिंग्स एंड क्वेश्चन के लिए आप स्केच पेन का यूज़ करेंगे। ओके एवरीवन नाउ फ्रॉम ई टू ओ दिस इज योर होमवर्क ठीक है। ई टू ओ तक आपका क्या है होमवर्क है। एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। इस साइड आपको क्वेश्चन मेंशन करना है क्वेश्चन नोट डाउन करना है एंड हियर आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन। वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। बाय बाय।